बसमिल्लर अल्लाम स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे और मैं हूँ कासिम अली आपका फ़िज़िक्स टीचर स्टूडेंट हम अपने फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर टू सॉल्व कर रहे थे उसको हल करने की कोशिश कर रहे थे उसमें से हमने जो चैप्टर के जो टॉपिक थे अपनी प्रीवियस वीडियो में सारे टॉपिक्स तक पढ़ लिए हुए थे और आज की जो ये मैं वीडियो कंटिन्यू करने जा रहा हूँ ये मेरी वीडियो होगी एक्सरसाइज के अबाउट और पहले एक्सरसाइज में हम करेंगे सॉल्व जो एक्सरसाइज होती हैं इन चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल्स एकस, बताई जाती हैं वो एग्जाम्पल हम करने जाएंगे इस वीडियो में वो सारी एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो अभी ला तखिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ टॉपिक मेरे पास मैंने आपको बता दिया जैसा कि स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है वो टॉपिक मेरे पास आ रहा है एग्जाम्पल्स ठीक है स्टूडेंट अभी हम एग्जाम्पल को डिस्कस करने जाएंगे

तो दो वैक्टर समझ ली वैक्टर ए और वैक्टर बी गिवन है तो आपने मालूम क्या करना है व्हाट आर देयर पोजीशन वैक्टर पोजीशन वैक्टर मालूम करेंगे कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स इन दोनों जहाजों के दरम्यान जो डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट करेंगे गिवन डाटा बताया जा रहा है कि दो आपके पास पॉइंट थे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी टू फाइंड आपने क्या करना है पोजिशन वैक्टर ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन आर ए ठीक है given data to find, ये आपके पास आ गया. अगर कैलकुलेशन की तरफ मूव ऑन करें कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन में देखें कहते हैं पोजिशन वैक्टर आर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज गिवन भाई अगर आपने पोजिशन वैक्टर मालूम करना हो थ्री डायमेंशनल में क्योंकि जहाज की बात तो हो रही है तो जहाज आपको पता है स्पेस में ही फ्लाई करता है तो अब स्पेस के लिए जो आपके पास पोजिशन वेक्टर आएगा ठीक है वो क्या आएगा आर इज इक्वल टू ए आई प्लस जे प्लस सी के लेकिन अब आपके पास कहते हैं ना पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन ए जो फर्स्ट एरोप्लेन था आपके पास उसका जो आपके पास पोजिशन वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा कहते हैं आर इज ओ ए इज इक्वल टू यानी ओ से लेकर आपने ए का पोजिशन वैक्टर लेना है ओ से लेकर ए तक का ओ ए इज इक्वल टू आर ए यानी पोजिशन वैक्टर ऑफ आर इस केस में आपके पास ये देखें ए के कंपोनेंट बताए जा रहे थे टू थ्री एंड फोर ठीक है ए के कंपोनेंट आपके पास आ रहे थे टू थ्री एंड फोर तो क्या होगा ए की जगह टू आएगा बी की जगह थ्री आएगा और सी की जगह फोर आ जाएगा और उस आई जे के सेम एज इट इज उसी तरह आपके पास आ जाएंगे सेम इसी तरह आपने क्या मालूम करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड एरोप्लेन बी बी के जो पॉइंट आपके पास आ रहे थे वो थे फाइव सिक्स एंड सेवन फाइव सिक्स सेवन आपके पास पॉइंट थे बी के सेम इसी तरह ए की जगह आपके पास होगा बी की जगह होगा और सी की जगह सेवन होगा तो ये आपके पास पोजिशन वैक्टर आ जाएगा अब आर बी या ओ बी ठीक है ये आपके पास दोनों पोजिशन वैक्टर्स आ गई अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेर के हेड टू टेर रूल क्या कहते हैं हमें ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी ठीक है ओ एज प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी तो ए बी आपने मालूम करना है ओ बी अपनी जगह पर कायम और ओ ए इधर से इधर आके माइनस हो जाएगा यानी ए बी का जो आंसर बनेगा फार्मूला बनेगा ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए अब आर क्या है आर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आर बी ओ ए बी क्या था आर बी माइनस ओ ए क्या था आपके पास आर ए आर बी माइनस आर ए आपने वैल्यूज पुट कर देनी है यानी आर बी का जो आपके पास पोजीशन वेक्टर आ रहा था आर बी ये सारी वैल्यूज पुट की फिर माइनस फिर और ए ये सारी वैल्यूज पुट कर दी अब चूंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है तो माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होकर सारी अलामतों को क्या करना है चेंज कर देना है यानी ये सारी प्लस की आ रही थी तो इस माइनस की वजह से सारी अलातें माइनस की हो जाएंगी तो आपके पास आंसर आएगा फाइव में से टू निकालेंगे आई को आई में से माइनस करेंगे जे को जे में से और के को के में से ठीक है इस बात का ध्यान रखना है अब फाइव आई की बात करें तो फाइव माइनस टू थ्री आ गया थ्री आ गया से यह आपके पास पोजिशन वैक्टर आ गया थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस थ्री के दो एरोप्लेन के लिहाज से अब कहते हैं मल्टीप्ला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ टू वेक्टर्स देयरफॉर अब ए बी यानी पोजीशन वेक्टर दूसरा आपने डिस्टेंस मालूम करना था दोनों के दरमियान तो वो क्या आएगा ए बी इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर स्क्वायर रूट यानी मैग्नीट्यूड अगर आप मालूम करना चाहें तो मैग्नीट्यूड के फार्मूले से आप डिस्टेंस निकाल लेंगे इनका तो आपके पास क्या आएगा थ्री का स्क्वायर मतलब तीन स्क्वायर आ रहे हैं थ्री के तो नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी सेवन का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आपके पास आता है फाइव पॉइंट टू किलोमीटर यानी अब जो डिस्टेंस आएगा बिटवीन टू प्लेन्स एरोप्लेन्स तो डिस्टेंस क्या आ रहा है 5.2 किलोमीटर का एक पॉइंट ए पर था जहाज़ दूसरा पॉइंट बी पर था दोनों का डिस्टेंस लिया हमने औरिजन से तो औरिजन uh, से पोजीशन वेक्टर भी फाइंड किया पोजीशन वेक्टर के बाद इन दोनों एरोप्लेन्स का जो डिस्टेंस आ रहा था एक दूसरे के एक दूसरे के साथ तो वो डिस्टेंस आपके पास आया फाइव पॉइंट टू किलोमीटर ठीक है ये थी हमारे पास एग्जाम्पल टू पॉइंट वाइन आई होप कि आपको समझ आई हो एग्ज़ैम्पल नंबर टू पॉइंट टू में वो कह रहे हैं दो फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी इन डायरेक्शन मेकिंग एंगल इज थीटा डिग्री 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइन द रिजल्टेंट फोर्स आपके पास दो फोर्सेस ही एक 10 न्यूटन की थी एक 20 न्यूटन की थी और वो फोर्स एक्ट करने के बाद जो एंगल बना रही थी एक्स एक्सीज के साथ एक एंगल था 30 डिग्री का दूसरा एंगल था 60 डिग्री का ठीक है तो इस लिहाज से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है मालूम करना है रिजल्टन फोर्स ठीक है फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है इनकी मदद से ठीक है अब गिवन डाटा आपके पास क्या आ रहा है गिवन डाटा में आपके पास आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ वन मैग्नीटूड ऑफ फोर्स एफ टू टेन न्यूटन और ट्वेंटी न्यूटन एंगल ऑफ फर्स्ट फोर्स थीटा वन थर्टी डिग्री एंगल ऑफ सेकेंड फोर्स थीटा टू सिक्सटी डिग्री रिजल्टेंट फोर्स एफ आपने मालूम करनी है पहले आप इसका एक्स कंपोनेंट मालूम करेंगे फिर वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे ठीक है फिर उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट लेके फिर आपके पास थीटा आएगा

सेम आप अब वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे फोर्स एफ टू काफ तो टू साइंसा टू आ जाएगा वैल्यूज को पुट किया तो आंसर आ गया न्यूटन ठीक है से आपके पास एक्स कंपोनेंट भी आ गया फोर्स का वाई कंपोनेंट भी आ गया फोर्स का अब स्टेप टू कहते हैं स्टेप वन आपने कंपोनेंट मालूम किए स्टेप टू कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एफ यानी अब एक्स कंपोनेंट का आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स यानी ये जो आपके पास एक्स कंपोनेंट आए थे दोनों फोर्सेस के आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा फोर्स का ठीक है एफ वन एक्स था ये एफ टू एक्स था ये दोनों को एडअप किया तो आंसर आ गया ये सेम स्टेप टू फिर आपने पहले मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट लिया फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट लेना है आपने तो क्या आएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई वन प्लस एफ वाई टू यानी जो वाई कंपोनेंट वाली जो दो फोर्सेस आपके पास आई थी उनका जो कंपोनेंट आए थे फोर्स वन एफ वन का और फोर्स एफ टू का दोनों को ऐड किया तो आपके पास ही आ जाएगा वाई मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ठीक है वाई जो कंपोनेंट था उसका मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा अब नेक्स्ट कहते हैं स्टेप फोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एफ अब जो रिजल्टेंट फोर्स आई थी आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स आई एफ एक्स दूसरी आई एफ वाई अब इनका आपने क्या लेना है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए तो वो मैगनीटूड का फार्मूला था आपके पास एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क् और स्क्र रूट अब एफ एक्स का आंसर आया था ये एफ वाई का आंसर आया था ये ठीक है इन दोनों को का स्केर लिया प्लस किया तो आपके पास क्या आएगा पहले स्केयर लिया तो ये प्लस इसका स्क्वायर लिया तो आपके पास आंसर ही आएगा दोनों को ऐड करें ऐड करने के बाद इनका ले लेना आपके पास जो आंसर आ रहा है तो नेक्स्ट आपने जो स्टेप फाइव था क्या करना है डायरेक्शन बाय अब आपने डायरेक्शन भी मालूम करनी है ठीक है रिजल्टेंट फोर्स मालूम की कैसे सबसे पहले आपने एक्स कंपोनेंट मालूम किया फोर्सेस का फिर वाई कंपोनेंट मालूम किया फिर एफ एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिया फिर एफ वाई वाई का मैग्नीट्यूड लिया फिर रिजल्टर लिया मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स एफ का यानी दोनों जो एक्स कंपोनेंट था वाई कंपोनेंट था उनको ऐड किया अब डायरेक्शन करने के लिए डायरेक्शन का फार्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई एक्स तो थीटा इज इक्वल तो टू इनवर्स एज इट इज़ एफ वाई की वैल्यू एफ एक्स की, की वैल्यू पुट की दोनों को डिवाइड किया आंसर ये आ गया अब टेन इनवर्स आप ये ले लेंगे इनके साथ तो आंसर आएगा टेन इनवर्स ये वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री यानी रिजल्टेंट फोर्स आपके पास ये मैग्नीट्यूड उसका आ गया ये आपके पास उसका आ गया डायरेक्शन यानी कि एंगल रिजल्टेंट फोर्स का जो आपके पास एंगल आ रहा था वो आपके पास आ गया तो ये था न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर टू पॉइंट टू जो कि एक सिंपल सी थी थोड़ी सी लेंथ जरूरत है लेकिन कॉन्सेप्ट उसका बिल्कुल ईजी था आई होप कि आपको समझ आई हो आगे फर्दर मूव करते हैं एग्जाम्पल थ्री की तरफ कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड की दो फोर्सेस हैं आपके पास उनका आपने मालूम करना है एंगल ठीक है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर इधर साइड ऑफ फोर्सेस कि जब आपके पास जो फोर्सेज हैं उनका जो रिजल्टेंट है ठीक है रिजल्टेंट का जो एंगल आ रहा है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का जो एंगल है वो फोर्स के एंगल के इक्वल है ये आपने मालूम करना है बेसिक आप क्या मालूम करेंगे एंगल बिटवीन द फोर्सेस के फोर्सेस के दरमियान जो एंगल आ रहा है आप उस एंगल को फाइंड करेंगे ठीक है मेन बात आपकी ये है अब जो गिवन डाटा की जब बात करेंगे तो गिवन डाटा में कहते हैं

एंगल ऑफ सेकंड फोर्थ थीटा टू इज इक्वल टू थीटा यानी फर्स्ट जो थीटा एंगल आया आपके पास वो जीरो आ गया दूसरा जो एंगल आपके पास आ रहा है वो थीटा आ गया तो फाइंड आपने क्या करना है एंगल फोर्सेस फोर्सेस के दरमियान जो एंगल आ रहा है आपने वो मालूम करना है कहते हैं is, result, इनका जो आ रहा है वो क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स फोर्स जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में सॉल्व किया था सेम उसी तरह भी इधर भी आ रहा है एफ वन एक्स आपके पास क्या आएगा एफ वन का सीटा वन एफ टू क्या टू का सीटा ठीक है तो का जीरो क्या होता है आपके पास जीरो तो नहीं कार वन तो को जब आप एफ वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वन एज इट इज प्लस एफ टू का थीटा एज इट इज आ गया ठीक है सिमिलरली वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे तो एफ वाई वन क्या होगा एफ वन साइन थीटा वन एफ टू वाई क्या होगा एफ टू साइन जगह जीरो पुट किया थीटा टू की जगह थीटा पुट किया तो साइन जीरो जीरो के साथ ही सारा कंपोनेंट आपके पास जीरो आ जाएगा तो एफ वाई का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एफ टू साइन थीटा कहते ना रिजल्टेंट इज अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना रिजल्टेंट का तो वो क्या आ रहा है आपके पास कैसे आएगा आर आ रहा था तो आर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र स्क्यर रूट आर इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू ये जो आपके पास आई थी इधर पुट की एफ़ टू की जो वाई टू वाई एफ वाई की जो वैल्यू आपके पास ये वाली आ रही थी ये पुट की अभी इधर तो आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं तो आपने ए प्लस बी होल स्केयर फार्मूला यूज़ करते हुए ओपन किया एक्सपेंड किया तो एफ़ टू का जो आंसर आएगा एफ स्केयर साइन थीटा स्केयर आपके पास ये आ जाएगा अब कहते हैं थीटा एफ स्क्र प्लस टू एफ स्केयर काटा प्लस एफ स्केयर साइन थीटा और का थीटा इसमें से कॉमन लिए यानी यह काटा का स्केयर था ये साइन थीटा का स्केर था इधर से इसको और इसमें से एफ कॉमन लिया आपके पास तो साइन थीटा का स्केयर प्लस थीटा का स्क्वेयर ये आपके पास आ गया एंड वी नो दैट अब इसकी जगह क्या आ जाएगा वन तो एफ के साथ जब वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वन का स्केयर एज इट इज आ जाएगा अब एफ टू का square, square square, साथ में आ जाएगा टू एफ काफ का स्केयर ठीक है अब क्या करना है टू एफ स्केयर का सीटा इज इक्वल टू दूसरी ये F हो रहा था दूसरी तरफ जाके माइनस होगा ये देखें एक एफ इधर आ रहा था एक एफ इधर था इधर से ये वाला एफ और ये वाला एफ कैंसिल ठीक है ये एफ बच गया तो ये एफ इधर प्लस हो रहा था दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो गया तो का सीटा इधर रह गया टू एफ दूसरी तरफ टू इधर आके ये एफ और ये एफ फिर से कट गए ठीक है तो आपके पास क्या गया स्टेप आपके पास इस तरह आएगा मैं इधर ही करवा देता हूं कार थीटा इज इक्वल टू एफ ओवर टू एफ स्क्यर यानी टू एफ इधर आके इसके साथ डिवाइड हो गया ये एफ इसके साथ कट गया साथ माइनस से था तो वन ओवर टू बाकी माइनस तो हाफ भी होता है तो हमने थीटा मालूम करना था बेसिक एंगल तो थीटा के साथ काज मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके इनवर्स तो काज इनवर्स माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो आपके पास आंसर आएगा अगर आप कैलकुलेटर से हल करेंगे इसको तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री ठीक है एंगल बेटवीन टूल फोर्स आई हो आगे मूव करते हैं एग्जांपल 2.4 की तरफ तो एग्जांपल 2.4 में कह रहे हैं अ फोर्स एफ एक फोर्स दी हुई है उसके कंपोनेंट एक्स और वाई कंपोनेंट यानी आई और जे दिया हुआ है नेक्स्ट कहते हैज इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूवड फ्रॉम ए टू द पॉइंट बी फाइंड द वर्क डन क्या आपके पास एक फोर्स थी फोर्स एक्ट हुई दो पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ठीक है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक फोर्स एक्ट फोर्स ने एक्ट किया अमल किया तो उसकी वजह से जो वर्क डन हुआ टोटल वर्क डन कितना हुआ वो आपने मालूम करना है अब गिवन डाटा में सिर्फ आपके पास एक फोर्स है जिसकी वैल्यू दी हुई है टू आई प्लस थ्री जे डाटा में एफ इज इक्वल टू टू आई प्लस थ्री आपके पास फोर्स आ गई उसके बाद फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ था ए वन थ्री सेकेंड पॉइंट था आपके पास B, five, और सेवन वर्क डन आपने मालूम करना है तो वर्क डन कहते हैं द पोजिशन वैक्टर फ्रॉम ए इज ए का अगर आप पोजिशन वैक्टर लें तो पोजिशन वैक्टर आप लेते हैं यूनिट वैक्टर्स के तौर पर यानी उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं साथ आई जी साथ लिखा के अब आर ए जो यानी ए का जो पोजिशन वैक्टर आएगा वो आर ए आएगा इज इक्वल टू आई को वन आ रहा है तो वन आई आना था तो वन हम नहीं लिखते था था, था कि आई प्लस थ्री दूसरी वैल्यू होती है जे की तो थ्री जे सेम इसी तरह पहला होता है आई दूसरा होता है जे फाइव आई प्लस सेवन जे ये आपके पास पोजिशन वैक्टर गए ए और बी का अब अगर इसने डिस्टेंस लेना है आपने तो डिस्टेंस क्या होगा दूसरी में से पहले को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा आर बी माइनस आर ए आर बी की ये वैल्यू माइनस आर ए की ये वैल्यू तो माइनस ने इसके जो साइन थे वो कन्वर्ट कर दिए प्लस वाले माइनस में तो माइनस वाले प्लस में तो फाइव आई में से आई को निकालेंगे जे में से जे को निकालेंगे फाइव माइनस वन फोर सेवन माइनस थ्री फोर ठीक है ये आपके पास आ गया डिस्टेंस अब वर्क डन क्या होता है वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी के तो वर्क डन एफ डॉट डी की अगर आप वैल्यू पुट करें स्टूडेंट तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास एफ की वैल्यू पुट की जो गिवन थी ठीक है स्टेटमेंट में वो थी टू आई प्लस थ्री जे डी की जो अभी हमने ये वैल्यू निकाली पुट कर दी डी की जगह फोर आई प्लस फोर जे अब अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फोर जार एट ठीक है थ्री फोर ट्वेल्व ठीक है अब आपके पास एट प्लस ट्वेल्व आ गया ट्वेंटी यूनिट्स अब i cross, i dot i क्रॉस डॉट डॉट होता होता है equal, j dot j होता है के के इक्वल इक्वल j j तो इसलिए ये यूनिट इधर से खत्म हो जाएंगे टू को मल्टीप्लाई किया फोर के साथ वो आ गया एट ठीक है थ्री को मल्टीप्लाई किया जब फोर के साथ वो आ गया ट्वेल्व तो एट प्लस ट्वेल्व आपके पास जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपके पास ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी यूनिट्स आपके पास जो वर्क डन हुआ था टोटल ये आपके पास आ जाएगा ये थी एग्जाम्पल

इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी यानी वेक्टर ए की ए का प्रोजेक्शन आपने मालूम करना है वेक्टर 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 बी बी के के ऊपर ऊपर ठीक है है ए ए का का प्रोजेक्शन यानी जो साया आ रहा ये आप करेंगे मालूम अब गिवन डाटा में आपके पास दो वैक्टर एक वैक्टर ए है दूसरा वैक्टर बी है ठीक है तो मालूम आपने क्या करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी यानी कि ए काटा प्रोजेक्शन ऑफ ए मालूम करनी हो तो ए का सीटा बी मालूम करनी होगी तो बी का आ जाएगा ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है ये भी अब कहते हैं कैलकुलेशन लेट थीटा इज द एंगल बेटवीन ए एंड बी देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा ठीक है ए uh, की डायरेक्शन बी के ऊपर मालूम करनी थी तो हमने यूज़ किया स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को जो वो ए का के इक्वल होता है तो हमने क्या किया डॉट प्रोडक्ट लिखा दो वेक्टर्स का ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा चूंकि हमने का थीटा ए का सीटा मालूम करना था तो इधर बी इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी इस तरफ से दूसरी तरफ जाके डिवाइड यानी ए कार सीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी अब आपके पास वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी यानी वेक्टर ए डॉट बी का अगर आपने इनका आंसर निकालना है ये आपके पास दो वेक्टर थे इनका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है यानी आई को आई से मल्टीप्लाई करें जे को जे से मल्टीप्लाई करें के को के के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स एट मल्टीप्लाई बाई फोर थर्टी टू वन मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व ट्वेल्व तो माइनस वेल आ जाएगा प्लस सिक्स प्लस थर्टी टू थर्टी एट माइनस ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स यानी एट आठ बी का जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा ट्वेंटी सिक्स आपके पास फार्मूला बन गया तो फार्मूले में आपने वैल्यूज को अलग अलग से निकाले ए डॉट बी अलग निकालेंगे बी यानी ऑफ़ बी था ये आप अलग से निकालेंगे फिर वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करके आपके पास रियल वाला आंसर आएगा अब वेक्टर भी आपके पास आ रहा है बी इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर ठीक है या आपके पास थ्री का स्क्यर नाइन फोर का 16, 12 का स्क्यर वन फोर्टी फोर या आपके पास बी के कंपोनेंट थे इन तीनों का अलग अलग से स्केयर लेके आपने प्लस कर देना है तो आपके पास आंसर आएगा वन सिक्सटी नाइन जब आप इसका स्क्यर लेंगे रूट लेंगे तो आ जाएगा थर्टीन यानी ए डॉट बी का आंसर आएगा ट्वेंटी सिक्स बी का आंसर गया थर्टीन अब अगर आप इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे की 13। अगर आप बी 26 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो पुटिंग वैल्यूज वी गेट क्या आपके पास आंसर आएगा 2, यानी का ए बी का सीटा का आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है ये आपके पास देखें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए का सीटा तो ए का सीटा का आंसर था ए डॉट बी ओवर बी ए डॉट बी का आंसर आया ट्वेंटी सिक्स बी का आंसर आया थर्टीन यानी थर्टी वन टाइम थर्टीन थर्टी टू टाइम ट्वेंटी सिक्स तो ए का सीटा का जो आंसर आएगा फाइनल वो आंसर आ रहा है स्टूडेंट थीटा वो आंसर आ रहा है टू सिंपल टू आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये आपके पास मेरी एग्जाम्पल uh, थी एग्जाम्पल नंबर टू पॉइंट फाइव नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल टू पॉइंट सिक्स की तरफ टू पॉइंट सिक्स में कहते हैं द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ पासिस बॉडी पोजिशन वैक्टर इन मीटर्स एक आपने लाइन ऑफ एक्शन फोर्स मालूम करनी है जो एक पॉइंट से मूव कर रही है और उसके जो वैक्टर था मीटर में वो आपके पास ही आ रहा था ठीक है आई माइनस टू जे प्लस के कहती है इफ एफ ये अगर फोर्स हो न्यूटन डिटर्मन द टार्क अबाउट पॉइंट ए हुज़ पोजिशन वैक्टर इन मीटर इज़ ये ठीक है अगर कहते हैं फोर्स एक है आपके पास ये हो तो आपने ए के ऊपर टार्क मालूम करना है और उसका जो पोजिशन वैक्टर है वो भी उन्होंने दे दिया हुआ है ठीक है अब अगर गिवन डाटा की तरफ मूव करें तो फोर्स दी हो ही है पोजिशन वैक्टर ए दिया हुआ है पोजिशन वैक्टर पी दिया हुआ है टू का ठीक है आर वन और आर ठीक है अब इनकी मदद मतलब से आपने मालूम करना है पहले टार्क अबाउट पॉइंट ए यानी ए के ऊपर जो टार्क आ रहा है वो आप टार्क मालूम करेंगे ठीक है टार्क कैसे मालूम करेंगे कहते हैं पहले पोजिशन वैक्टर ऑफ पी रेलिटिव टू ए मालूम करें पोजिशन वैक्टर ऑफ पी रेलिटिव टू ए ए पी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन आर टू की वैल्यू लिखी माइनस आर वन की वैल्यू लिखी इस माइनस को अंदर ऑपरेट किया तो सारी अलामतें चेंज तो आई को आई में से माइनस करेंगे जे को जे में से और के को के में से प्लस वन आई माइनस टू आई माइनस वन आई क्या टू जे माइनस जे आंसर आ जाएगा ये माइनस टू जे था ठीक है इधर जरा गलती लग रही है बुक वालों को ये माइनस टू जे था -2 जे और माइनस जे, जे, के, के एक दूसरे के साथ कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा जीरो तो माइनस आई और साथ में माइनस थ्री जे अब नाउ द टार्क अबाउट पॉइंट ए अगर टार का फार्मूला लिखे हैं, जो रियल बाय अकॉर्डिंग तो टू डेफिनेशन फार्मूला होता है टार का वो आपके पास आ रहा है टार्क इज इक्वल टू तो आर क्रॉस एफ तो टार्क आर की जगह आर की वैल्यू ये वाली पुट कर दी क्रॉस एफ की वैल्यू जो स्टेटमेंट में दी हुई थी वो ये वाली पुट कर दी ठीक है अब इनका आई जे के लिया ठीक है जब आपने आई मालूम करना है तो ये टर्म खत्म ये वाली टर्म भी खत्म इन दोनों को इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई भाई फोर ट्वेल्व माइनस थ्री मल्टीप्लाई जीरो जीरो आई आ जाएगा फिर जब आपने जे लेना है जे कैसे लेंगे आप ये वाली रो खत्म अब माइनस वन मल्टीप्लाई बाई फोर ठीक है आ जाएगा प्लस फोर ठीक है टू मल्टीप्लाई बाई जीरो आ जाएगा जीरो फिर माइनस वन साथ में माइनस आता है अंदर ये वाला लामत फार्मूले का या रूल का तो माइनस वन मल्टीप्लाई फोर आना था माइनस फोर तो माइनस माइनस मिल के प्लस फोर हो गया जी अब क्या करेंगे तो ये वाली रो खत्म ठीक है जब आप माइनस वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस थ्री टू को थ्री से करेंगे तो माइनस सिक्स ठीक है लेकिन साथ अंदर वाला माइनस आ रहा था जिस तरह ये था माइनस तो माइनस सिक्स और माइनस मिलकर प्लस ट्वेल्व में से जीरो निकालेंगे तो माइनस ट्वेल्व वाई फोर में जीरो प्लस करेंगे तो फोर जे थ्री में सिक्स प्लस करेंगे तो नाइन के मीटर जी आपके पास आ गई वैल्यू किसकी की वैल्यू आ गई टार की ठीक है सिंपल सा न्यूमेरिकल ये भी मुश्किल नहीं था सिंपल आपने पहले पोजीशन वेक्टर लेना है ए का रिलेटिव टू का लेना है A. A के लिए P का लिए आपके पास आंसर आ जाएगा R. फिर अकॉर्डिंग टू उसके जरिए वो होता है जगह एफ तो की वैल्यू पुट कर, कर दी फिर उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई लिया आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस ट्वेल्व वाई प्लस फोर जे प्लस नाइन के न्यूटन मीटर ठीक है ये आपके पास सुमेरिकल एग्जाम्पल थी एग्जाम्पल नंबर टू पॉइंट सेवन अब जो एक एग्जाम्पल आपके पास जो आ रही है नेक्स्ट टू पॉइंट सेवन कहते हैं अ लोड इज सस्पेंडेड बाय टू कार्ड एज शोन इन फिगर ठीक है दो कार्ड से एक ये, ये पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये ठीक है यानी दो कि एक फिक्स पॉइंट था उसके साथ दो रस्सियां बांधी हुई और दो रस्सियों के साथ एक वेट लगा दिया डिटरमिन द मैक्सिमम लोड कैन बी सस्पेंडेड एट पॉइंट पी के पी के ऊपर ये देखो दोनों को अटैच किया और उसके साथ ये वजन अटकाया तो इस पी के ऊपर कितना वजन आ रहा है वो आपने लोड मालूम करना मैक्सिमम लोड ऑन पॉइंट पी इफ मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द कार्ड इज फिफ्टी न्यूटन अगर इनका जो मैक्ममम स्ट्रेस आ रहा है वो कितना आ रहा है मैक्मम स्ट्रेस आ रहा है आपके पास फिफ्टी न्यूटन ठीक है तो आपने पॉइंट पी के ऊपर जो टोटल लोड आ रहा है मैक्ममम लोड आ रहा है वो आप कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो अब कहते हैं गिवन डाटा में मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द कार्ड टी वन यानी टेंशन दी हुई है वो फिफ्टी न्यूटन है एंगल मेड द द्ड आर थीटा वन आपके पास क्या आ रहा था ट्वेंटी थीटा टू आपके पास आ रहा था थीटा टू आपके पास ट्वेंटी डिग्री आ रहा था अब मैक्सिमम लोड एट पी यानी कि जो वर्क डन हो रहा है टोटल वो आपने मालूम करना है w. अब टी वन और टी टू को आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है यानी में आपने इनको तहवील कर देना है ठीक है तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी अगर इस फिगर को देखें T1 वन का सीटा टी टू का यानी थीटा सिक्सटी आ रहा था थीटा इधर 20 आ रहा था इधर एंगल जो बना 20 इधर बना 60 इधर 20 T1 और ये T2 इनके जो कंपोनेंट आएंगे वो T1 वन साइन सिक्सटी डिग्री और T2 टू साइन सिक्सटी डिग्री आएगा ठीक है ये वाई कंपोनेंट आ गया ये X कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट और ये एक्स आपके पास आगे यानी हमने क्या करना था इनको इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना था तहवील करना था तो उसके बाद जो आपके पास वैल्यूज आई थी वो हमने लिख ली एक्स कंपोनेंट जो आएगा टी टू का वो टी टू साइन ट्वेंटी और जो आपके पास एक्स कंपोनेंट आएगा टी टू का ट्वेंटी वाई कंपोनेंट की जब बात करेंगे तो टी वन साइन सिक्सटी एक्स कंपोनेंट टी वन का अब कहते हैं अपलाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिब्रियम फॉर एक्स कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट के लिए जो हमने इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन मालूम की थी वो आपने इधर अप्लाई करनी है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू तो जीरो हमने उधर पढ़ा अब एफ एक्स क्या आपके पास आ रहा था टी टू काज ट्वेंटी डिग्री माइनस टी वन डिग्री इज इक्वल टू जीरो ठीक है t1 का और t2 का जो x कंपोनेंट आ रहा था दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है कहते पुटिंग वैल्यूज वी गेट अब t2 एज इट इज आ गया cos 20 की वैल्यू पुट कर दी t1 एज इट इज और cos 60 की ये वैल्यू पुट कर दी ठीक है आपने क्या करना है t1 इधर माइनस हो रहा था दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया ठीक है तो 0.5t 0.9494t2 यह आपके पास वैल्यू बन गई अब t1 आपने मालूम करना है t1 के साथ 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आपका डिवाइड जब आप इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.88 और साथ t2 एज इट इज अब t1 की वैल्यू आपको गिवन थी जो की थी आपके पास 50 न्यूटन ठीक है तो 50 न्यूटन आपने मालूम कर लेनी है वैल्यू या आप क्या करें इसको इधर ले आए तो फिर भी वैल्यू आंसर सेम आना था अब आपने क्या करना है टी टू अपनी जगह पर कायम वन एटी एट एट दूसरी तरफ जाके डिवाइड टी वन था आपके पास फिफ्टी डिवाइडेड बाय वन पॉइंट एट एट तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स यानी टी टू का जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 26.6 T1 पॉइंट सिक्स टी वन तो आपके पास गिवन था यानी टेंशन इन स्ट्रिंग वन वो आपके पास गिवन थी या मैक्सिमम जो स्ट्रेस आ रहा था फिर टी टू आपने मालूम करनी है ठीक है न्यू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूटिलाइज करते हुए एक्स कंपोनेंट हमने लिए थे दोनों के ठीक है एक्स कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट टी वन एक्स कंपोनेंट ऑफ टी टू ठीक है दोनों दूसरे में से पहले को माइनस किया माइनस करने के बाद पहले आप टी वन निकालेंगे टी वन आपके पास आया था 1.88 पॉइंट एट एट फिर टी वन आपके पास वैल्यू गिवन थी इसकी मदद से आपने टी टू की वैल्यू निकालनी है जो कि आपके पास आ रही है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स न्यूटन ये आपके पास दोनों टी वन भी आ गया और टी टू भी आ गया नाउ अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वलीब्रिंग फॉर वाई कंपोनेंट अब आपने वाई कंपोनेंट के लिए फर्स्ट कंडीशन आपने यूज करनी है तो एफ वाई आपके पास था जीरो तो वाई कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं आप स्टूडेंट्स आप लेते हैं उनका साइन कंपोनेंट्स ठीक है एक्स कंपोनेंट के लिए एक काज लेते हैं और वाई कंपोनेंट्स के लिए हम साइन को यूज करते हैं सेम जैसा ऊपर तो हमने किया इधर भी वही करेंगे आप टी वन साइन सिक्सटी डिग्री प्लस टी टू साइन ट्वेंटी डिग्री माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो इस केस में आपके पास टी वन था फिफ्टी साइन सिक्सटी की वैल्यूज ये टी टू आपके पास है ट्वेंटी सिक्स और साइन ट्वेंटी की वैल्यू आपके पास आ गई ये डब्ल्यू इधर माइनस हो रहा था दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिफ्टी को इसके साथ और ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स को इसके साथ तो आंसर आएगा आपके पास फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री आंसर ये पहले का प्लस नाइन पॉइंट जीरो फोर यह आंसर दूसरे का इज इक्वल टू डब्ल्यू एज इट इज जब आप इन दोनों को एडअप करेंगे यानी प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद बच्चों जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है फिफ्टी टू पॉइंट थ्री फोर न्यूटन चूँकि हम बात कर रहे हैं वर्क डन की तो वर्क डन का जो आंसर है वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं आ सकता ठीक है तो वर्क डन को पॉइंट में नहीं लिखना हमने क्योंकि ये थर्टी टू लेस देन फिफ्टी है ठीक है यानी हाफ से लो आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ कर देंगे प्रीवियस टर्म में तो जो कि वो आ रही है फिफ्टी टू ठीक है डन पॉइंट में नहीं हो सकता हमने एक एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी थी तो राउंड ऑफ करके 52.34 को राउंड ऑफ करके हमने वैल्यू लिख ली वो वैल्यू आपके पास जो आई थी वो वैल्यू आ गई आपके पास uh, 50 न्यूटन ठीक है तो स्टूडेंट uh, ये थी आपके पास एग्जाम्पल्स इस चैप्टर की एग्जाम्पल 2.8 है ये सिंपल तरीकाकार पीछे प्रीवियस्टर सारे तरीकाकार को आपने यूज करते हुए ये खुद से ट्राई करनी है उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपका पिछला कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है एग्जाम्पल टू पॉइंट आप खुद से ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट अभी ये जो हमने एग्जाम्पल की एग्जाम्पल नंबर वन से लेकर एग्जाम्पल नंबर सेवन तक ठीक है आई होप कि आपको इन सब एग्जाम्पल्स की समझ आ गई हो और अगर आप ध्यान से करेंगे खुद तो आपका जो कॉन्सेप्ट मिस था या जो मिस कॉन्सेप्ट है वो भी आपका सारा क्लियर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में आएंगे तो साथ हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को ठीक है आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में मेरे पास यहाँ तक कि था जो कि हमने एग्ज़ैम्पल सॉल्व की वो ही आपने इन में इनको रिवाइज करना है और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश और समझने की कोशिश करनी है ठीक है तो स्टूडेंट सेवन एग्ज़ैम्पल थी ठीक है इतना तरीक़ाकार बिल्कुल मुश्किल नहीं था बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप जिन में बनाइएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सॉल्व कर पाएंगे ठीक है तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के साथ तब तक के लिए आपने मुझे इजाज़त देनी है अल्लाह हाफिज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें अपनी राय कमेंट करें ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे